हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को और लाइक भी कर रहे हैं। और इसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और आज मैंने सोचा कि कुछ अलग सा टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने घर में जो प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, और साथ ही साथ में जो हमारे कंपाउंड के अंदर जो ब्यूटीफुल ट्रीज हैं और प्लांट्स हैं उनका भी मैं आपको विजिट करवाऊंगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। ये हैं हमारे इंडोर प्लांट्स। ये मनी प्लांट है और इसको मैंने अंदर ही लगाया हुआ है। एक तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये आपके घर की डेकोरेशन को और ज्यादा इन्हेंस करता है। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा बस चले तो मैं अपने घर के हर कमरे में ये प्लांट लगाऊं। और ये देखें, ये ऊपर से सारी ये बेल है, इनको इतनी ज़्यादा डायरेक्ट धूप की ज़रूरत नहीं होती, इनको आप अंदर लगाएं। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि इसको लाइट मिले। ठीक है, फिर आगे ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी कलर है इसका, ये लाइट ग्रीन में है। ठीक है, और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये पानी है, इसमें मैंने पत्ती मिक्स की हुई है, जैसे वो चाय की पत्ती जो होती है, ठीक है, वो 3-4 चम्मच डाल के इसको मैं डिप करके रख देती हूँ। जो इसका पानी होता है इसको मैं स्टेन कर लेती हूँ और फिर सारे जो मेरे मनी प्लांट्स हैं उनको ये वाला पानी फिर मैं प्रोवाइड करती हूँ। क्योंकि इस पानी में जो पत्ती होती है ना चाय की, उसमें नाइट्रोजन होते हैं और वो नाइट्रोजन जो होता है वो एज अ फर्टिलाइजर का काम करता है। ठीक है, तो ये पत्ती का पानी ये मनी प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। एक पौधा मेरा ये है, कितने शाइनिंग इनके लीव्स हैं। ये शाइन इसी वजह से है कि इनको मैं हमेशा जो ये पानी है पत्ती का वो देती रहती हूँ। ठीक है, इससे इनको नाइट्रोजन मिलती है जिसकी वजह से इनके लीव्स जो होते हैं वो ब्राइट और शाइनी होते हैं। ठीक हो गया, ये भी पानी में लगाया हुआ है। इसकी ये देखें रूट सभी निकल रही हैं। जैसे ही कुछ ज्यादा हेल्दी रूट्स इनकी होंगी इनको मैं लगाऊंगी मिट्टी के अंदर, किसी पॉट में लगा दूंगी तो ये भी फिर ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सेन में लगाए हुए हैं तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, एक ये प्लांट है, एक हमने उधर रखा है और एक यहाँ पे रखा है। ये दोनों बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये चूजों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया था, हम लोगों ने चूजे रखे हुए थे और उन्होंने सारे प्लांट्स का हशर नशर कर दिया था। ये रीग्रो हुए हैं इसके लिए, देखें कितने प्यारे और फ्रेश हैं। और यहाँ पे ये पौधा है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये मोस्टली लोग अपने सिटिंग रूम्स में रखते हैं, लेकिन हमारे सिटिंग रूम में जगह कम है और बच्चों के डर की वजह से फिर मैंने इसको इधर साइड पर रखा हुआ है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत है, ये देखिए, ये भी काफ़ी इस साल इसने ग्रो किया है। और यहाँ पे आए तो ये भी हमारा एक पौधा है, इसके लीव्स बहुत ही प्यारे हैं और इसको भी चूज़ों ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था, ये रीग्रो हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे आए, इसको मैंने वॉल के ऊपर हैंग किया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, इसका छोटा सा एक फूल भी निकल रहा है, कितना ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखें ये कितना ब्यूटीफुल है। और ये वाला देखें, ये डार्क पर्पल कलर में है, लुक्स वेरी नाइस। ये भी रीग्रो हुआ है, ये भी उन्होंने ख़राब कर दिया था। और दिस वन इज आल्सो वेरी नाइस, इसमें सिर्फ लीव्स हैं। ये मोतिये का है, ये मोतिये का पौधा है, इसमें अभी रिसेंटली काफ़ी फूल लगे हुए थे, गिर गए हैं सारे। ठीक है, और ये के प्लांट है हमारा छोटा सा, और ये एलोवेरा का है, ये भी इसी साल अच्छे तरीके से रीग्रो हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जी गुलाब के कुछ पौधे लगे हुए हैं हमारे घर में, ये लुकाट का दरख्त है और ये गुलाब का पौधा है, इस पर बहुत ही प्यारे फूल लगे हुए थे, ये देखें, जैसे कि अभी बस सीजन जा रहा है तो सारे गिर गए हैं, ये देखिए। दूसरा ये बेल है, ये वाली जो है ये बेल है, इसको किसी दिन मैंने ज़मीन के अंदर लगाना है।
ये दीवार के ऊपर चढ़ती है, बहुत ही प्यारी लगती है। ठीक है, ये अम्ब्रेला प्लांट है, ये देखें कितने प्यारे लीव्स हैं इसके। यहाँ पे ये वही है जो मैंने दीवार के ऊपर हैंग किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे है हमारा एलोकेरिया। ये जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ये एक उस पर था, पॉट में था, बहुत बड़े वाले में था, लेकिन इसकी जो ग्रोथ थी वो सही नहीं हो रही थी, इस वजह से इसको यहाँ पे हमने फिर जमीन में लगाया। तो अब देखें ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक, ये वाला मेरा पौधा है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत बेल है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लांट। ये प्लांट है हमारा, ये देखें, ये गुलाब का है, और ये देखिए ये जो प्लांट है इसकी स्मेल ही कुछ अलग है, इतनी प्यारी इसकी स्मेल है कि आप पूछे ही ना। इसका जब आप एक लीव लेंगे, वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल है इसकी, एक परफ्यूम से भी ज़्यादा अच्छी। एक ये बेल है, ये देखें, ये भी गुलाब है, ये भी गुलाब है, और ये मुझे बहुत पसंद है, ये देखिए इसका कलर, ये डबल शेडेड पौधा है, इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, देखिए ये हाँ जी गाइज, होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे घर में जो प्लांट्स लगे हैं वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे, और जो मैंने मनी प्लांट के हवाले से आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हैं वो भी आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच।